नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, विद्या सम्मेलन योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी अभ्यर्थियों को गैस फैकल्टी के रूप में राजकीय विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए जाने के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि विद्या सम्मेलन योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी तो उनके लिए क्या योग्यता रहेगी, इसके अतिरिक्त विद्या सम्मेलन योजना के तहत आवेदन किस तरीके से किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसका विषय है विद्या सम्मेलन योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थियों को गैस फैकल्टी के रूम में लगाए जाने के संबंध में। इसे पूर्व 30/3/2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसे पूर्व 4/7/2022 द्वारा प्रदर्श स्वीकृतियों के क्रम में अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्या सम्मेलन योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गैस फैकल्टी के रूम में लगाए जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यहाँ पे जो विद्या सम्मेलन योजना के तहत निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं वे गैस फैकल्टी के रूम में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। जो अभ्यर्थी पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखता है वह गैस फैकल्टी के रूम में लगाए जाने के लिए पात्र होगा। इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की प्रावनिधि न्यूनतम योग्यता निम्न अनुसार रहेगी। निजी अभ्यर्थी हेतु हम बात करें, व्याख्याता जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हुआ हो। इसके साथ ही प्रशैक्षिक अर्हता के अंतर्गत बीएड होना अनिवार्य होगा। व्याख्याता भौतिक, रसायन और गणित विषय हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा पास हो, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय जिस भी विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर रहा है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर रहा है तो रसायन विज्ञान संबंधित विषय का अध्ययन किया हो। इसके साथ ही प्रशैक्षिक अर्हता के अंतर्गत बीएड होना अनिवार्य है। इसे आगे हम चर्चा करें, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित, तृतीय भाषा हेतु, यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक हेतु वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। प्रशिक्षण की योग्यता में बीएड होना चाहिए। जो विषय है संबंधित विषय से स्नातक होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी विषय से स्नातक होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी विषय है तो अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए, इसके साथ ही गणित विषय से है तो गणित विषय से स्नातक होना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिक, जैव रसायन विज्ञान में कम से कम 2 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इसके साथ ही बीएड होना अनिवार्य है। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान हेतु जो विषय दिए हुए हैं यहाँ पे स्नातक स्तर में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र के रूप में कम से कम 2 वैकल्पिक विषय होना जरूरी है। इसके साथ ही हिंदी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रशैक्षिक योग्यता में बीएड होना अनिवार्य है वरिष्ठ अध्यापक हेतु भी। अध्यापक लेवल सेकंड और अध्यापक लेवल फर्स्ट हेतु, अध्यापक लेवल सेकंड हेतु न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित, अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। अध्यापक लेवल गणित और अंग्रेजी विषय हेतु गणित विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं तो गणित विषय से स्नातक होना चाहिए, इसके साथ ही अंग्रेजी विषय से आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी विषय से स्नातक होने चाहिए। प्रशैक्षिक योग्यता में बीएड व न्यूनतम अंकों के साथ रिट लेवल सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसकी वैधता अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई हो। इसी तरीके से अध्यापक लेवल फर्स्ट हेतु 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशैक्षिक योग्यता में डीएलएड व न्यूनतम अंकों के साथ रिट लेवल फर्स्ट परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अभी तक समाप्त नहीं हुई हो। शारीरिक शिक्षक अध्यापक हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य सीपीएड या डीपीएड बीपीएड होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक यदि प्रयोगशाला सहायक हेतु आवेदन कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम 3 वैकल्पिक विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रशिक्षण योग्यता प्रयोगशाला हेतु अनिवार्य नहीं है। सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु
सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु ही गैस फैकल्टी के लिए आवेदन किए जाने की पात्र हो गए। बस शर्त यह है कि उसने आवेदन पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो। सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु अध्यापक लेवल फर्स्ट और अध्यापक लेवल सेकेंड हेतु रेट उत्तीर्ण बाध्यता नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक की 65 वर्ष से अधिक गैस फैकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अब हम आगे चर्चा करें विद्या सम्मेलन योजना में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थियों के गैस फैकल्टी के रूप में चयन किस तरीके से किया जाएगा। निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठ अध्यापकों शिक्षकों की कमेटी विद्यालय स्तर पर बनाई जाएगी। यदि 2 वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो समिति में संबंधित CBO ब्लॉक के अन्य विद्यालय से 2 वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। पॉइंट है संस्था प्रधान के द्वारा जो भी विद्यालय में रिक्त हैं उनका प्रकाशन विभागीय वेबसाइट एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निर्देशालय से जारी किया जाएगा। जो भी प्रकाशन होगा उसके लिए प्रत्यक्ष निर्देशालय से कैलेंडर जारी किया जाएगा। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयता अनुसार चयन किया जाएगा। यदि 1 से अधिक आवेदन आ रहे हैं तो वरीयता सूची तैयार की जाएगी। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि BEd उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल सेकंड के लिए और संबंधित विषय अनुसार यदि BSt DLEd उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकवार 75% रहेगा। साथियों यदि 1 से अधिक आवेदन आते हैं तो न्यूनतम वांछित योग्यता में शैक्षणिक योग्यता के 75% अंक सम्मिलित किए जाएंगे और प्रशैक्षणिक योग्यता के 25% ज्यादा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर जिस अभ्यर्थी के प्राप्त अंक होंगे किया जाएगा। समान अंकबार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थियों को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निर्देशालय के द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को गैस फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान के द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य ग्रहण करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के में अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गैस फैकल्टी हेतु चयन किया जाएगा। यदि कोई भी वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी नियुक्त नहीं करता है तो निर्धारित समय के पश्चात उस चयन सूची में जो नेक्स्ट अभ्यर्थी होगा गैस फैकल्टी के रूप में चयन किया जाएगा। गैस फैकल्टी पर सत्रांत तथा वह नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। गैस फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के द्वारा 30/3/2021 में वर्णित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम चर्चा करें गैस फैकल्टी के रूप में क्या मानदेय की दरें रहेंगी। यहाँ पे ग्रेड 3 हेतु कक्षा 1 से 8 ₹300 प्रति घंटा अधिकतम मानदेय ₹21,000, ग्रेड सेकंड हेतु कक्षा 9 से 11 ₹350 प्रति घंटा और अधिकतम मानदेय ₹25,000 से अधिक नहीं होगा। ग्रेड फर्स्ट हेतु कक्षा 11 और 12 हेतु ₹400 प्रति घंटा मानदेय रहेगा, साथ ही अधिकतम मानदेय ₹30,000 से अधिक नहीं होगा और शारीरिक शिक्षक अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक हेतु ₹300 मानदेय प्रति घंटा रहेगा और अधिकतम मासिक मानदेय ₹21,000 से अधिक नहीं रहेगा। गैस फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान के द्वारा किया जाएगा। कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य में अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी के द्वारा बिना कारण बताए गैस फैकल्टी से कार्य मुक्त किया जाएगा। उक्त अनुसार विद्या सम्मेलन योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी अभ्यर्थियों को गैस फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। साथियों कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा गैस फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगाए जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।